नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए के विवाद को लगातार आग दी जा रही है। जहां विपक्ष लगातार एनडीए के टूटने का इंतजार कर रहा है, सरकार गिरने का इंतजार कर रहा है, वहीं जदयू और भाजपा के भी कई लोग हैं, कई नेता हैं जो अब इस गठबंधन से उब चुके हैं। उन्हें भी इंतजार है कि जल्द से जल्द कुछ बड़ा हो जाए। कल संजय जायसवाल और जदयू के प्रवक्ता के बीच जिस तरीके से नोकझोंक हुई सोशल मीडिया पर, सबके सामने जिस तरीके से दोनों ने अपना रोष प्रदर्शन किया, इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अब छोटी छोटी बातों पर भी नुक्ताचीनी शुरू हो गई है। विवाद बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर बिहार में एमएलसी चुनाव तक। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियों में आम राय नहीं बन पा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिर जाए। परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे सरकार गिरने जैसा आभास हो। एक तरफ जहां भाजपा बिहार में लगातार जदयू के साथ खड़ी है, वहीं जदयू विभिन्न मुद्दों पर भाजपा के विरोध में खड़ी है। वहीं नीतीश के कई जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसके खिलाफ भी भाजपा के लोग खुलेआम सामने आ चुके हैं। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से संजय जायसवाल ने बात स्पष्ट की थी, इस पर भी उनकी खिंचाई हुई और जदयू भाजपा के बीच ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा एक साहित्यकार द्वारा सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना कर देना और फिर उस साहित्यकार का भाजपा की तरफ झुकाव होना, कहीं ना कहीं जदयू ने इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से डील नहीं किया। जदयू के नेताओं ने इस पूरे घटना को भाजपा की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद भाजपा बैकफुट पर गई और इस पूरे विवाद में अब परिस्थितियां ये हो गई हैं कि भाजपा ने अपने विधायकों की ताकत तक नीतीश कुमार को दिखाना शुरू कर दी है। वहीं जदयू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इतनी आसानी से बिहार में सरकार चलाते नहीं रह सकती है। अगर भाजपा इसी तरीके का बयानबाजी करेगी या अलग अलग मुद्दों पर विरोधाभास खड़ा करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार गिर जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया। नीतीश कुमार को ये भी कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर जातिगत जनगणना पर भाजपा आपका साथ नहीं देती है और विभिन्न मुद्दों पर आपको भाजपा से लड़ना पड़ता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ हम खड़े हैं, सरकार बनाना चलाना अपनी जगह पर है, हम आपको लगातार सपोर्ट करेंगे और हम आपकी तरफ पलटेंगे नहीं। इसके बाद भाजपा सीधे तौर पर बैकफुट पर गई और भाजपा के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक अब तक रहा है चरित्र वो बदलते रहे हैं और इस कारण से समस्याएं बढ़ गई हैं, इतना बढ़ गई कि सुशील मोदी को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। लेकिन जो भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि राजद ने एक डेडलाइन दे दिया कि खरमास के बाद सरकार गिर सकती है और इसकी वजह से अब बेचैनी बिहार के एनडीए के नेताओं में बढ़ी हुई है, क्योंकि चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर दोनों पार्टी आपस में लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं विवाद दोनों के रिश्तों की समाप्ति की ओर इशारा भी कर सकता है। लेकिन इस बीच राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने एनडीए की तोड़ने की कोशिश के बारे में जिक्र किया। पूर्व आईएएस दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा सम्राट अशोक पर की गई टिप्पणी की आड़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को बंद करने की बात कही और साथ साथ ये भी बताया कि अगर दोनों के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो इससे बिहार में जो सरकार है मौजूदा उसकी भी स्थिति पर कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है। लेकिन राजद द्वारा इस पूरी घटना को जिस तरीके से मोड़ दिया गया सरकार की तरफ, ये भी स्पष्ट करता है कि राजद की महत्वाकांक्षा क्या है। लेकिन इन सारे मुद्दे पर सुशील मोदी सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर उस साहित्यकार को भाजपा से जुड़ा नहीं होने की लेकर बातें स्पष्ट की। बाद में आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने उस साहित्यकार पर केस भी किया। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच सबसे बड़ी बात जो हुई वो है वाकयुद्ध। संजय जायसवाल और जदयू के प्रवक्ता के बीच जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, सुशील मोदी और भाजपा के अन्य नेता अच्छे से जानते हैं कि इस विवाद का अंतिम स्तर क्या हो सकता है, कहां तक ये मामला पहुंच सकता है। वैसे भी राजद और बाकी जो दल हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में जदयू और भाजपा के रिश्ते खराब हो जाए और ऐसी स्थिति में अगर विवाद बढ़ता जाता है, नेता एक दूसरे के बयानों को चीरफाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वक्त से पहले भी रिश्ता समाप्त हो सकता है। ऐसे में सुशील मोदी सामने आए हैं और उन्होंने राजद को भी कटघरे में खड़ा किया है कि वो एनडीए के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो विवाद बनाया जा रहा है वो विवाद दरअसल है ही नहीं।
कोई व्यक्ति अगर अपनी राय स्पष्ट करता है और उसकी वजह से कुछ लोगों को बुरा लगता है तो उसे किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वैसे भी जिस साहित्यकार की यहाँ चर्चा हो रही है वो भाजपा से बहुत पहले जुड़े रहे हैं, फिलहाल उनका भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में भाजपा भी है। यानी सीधी बात यहाँ समझ लीजिए कि भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि राजद बिहार में सरकार की स्थिति को डवाडोल करने में लग गई है और ऐसी स्थिति से पूरे गठबंधन को उबारने के पीछे अब भाजपा लग गई है। तो अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं, फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।